Hello everyone, myself Mrs. Aparna Nikesh Patil from TSSM and JSPM group of Signet Public School, New Nari. तो बच्चों मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज हिंदी के विषय में हम हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है भाषा। तो बच्चों आपको मालूम ही होगा हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं। उन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के धातु से बना है। उसका अर्थ है वाणी को प्रकट करना। पहले मनुष्य को बोलना और लिखना नहीं आता था। वह अपने संकेतों द्वारा अपने भाव को व्यक्त करते थे। धीरे धीरे वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों चट्टानों में कुछ चिन्ह लिखना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने लिखना। पहले हम भाषा की परिभाषा जानेंगे। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करना उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों भाषा के हम अभी रूप जानेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप यानी क्या? जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर हम समझते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ये हो गया पहला रूप। दूसरा रूप है लिखित रूप। लिखित रूप यानी क्या? जब हम पत्र द्वारा अपने विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाते हैं। तो ये हो गए भाषा के दो रूप। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाषा के दो रूप। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो संसार में बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आपके कक्षा में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लिपि के बारे में। लिपि यानी क्या बच्चों? लिपि मतलब हर भाषा का लिखने का अलग अलग स्वरूप होता है। उसी ढंग को, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जब हम भाषा लिखते हैं, कोई भाषा लिखते हैं, तो जो लिखा होता है, लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसी तरह बहुत सारे भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती है बच्चों। तो पहले देखिए हम यहाँ पर प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ जानेंगे। पहला है देखो हिंदी, संस्कृत, उसके बाद गुजराती और मराठी। तो इन भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो ये भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरी भाषा है यहाँ पर देखो अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी है? रोमन लिपि है। तीसरी है उर्दू। उर्दू की है लिपि फारसी। आगे देखिए पंजाबी। पंजाबी की होती है लिपि गुरुमुखी। तो ये सारी हमने भाषाओं की, अलग अलग भाषाओं की लिपियों के बारे में जाना। तो सबको यहाँ पर समझ में आ गया। तो अभी मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? हमारे भारत देश में आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? 10 राज्यों के नाम लिखने हैं और उस राज्यों की कौन सी भाषा वहाँ पर बोली जाती है वो आपको लिखना है। ये है आपकी एक्टिविटी। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ, भाषा ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम एक नए विषय के साथ
फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।